क्या एक ऐसी दुनिया मौजूद हो सकती है जहां आपके एक नहीं बल्कि हजारों क्लोन्स मौजूद हों? या एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर कभी खत्म ही ना हुई हो? क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें मल्टीवर्स की सैर करवा सकता है? क्या हम इस टेलीस्कोप की मदद से हमारे ब्रह्मांड के बाहर मौजूद दूसरे यूनिवर्सेस को देख सकते हैं? अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो हमारे यूनिवर्स में कुछ भी संभव है। हर वो चीज जो हम इमेजिन कर सकते हैं वो एक रियलिटी होगी। स्टीफन हॉकिंग ने अपने कई पेपर्स में यह प्रूफ किया था कि मल्टीवर्स थ्योरी सही हो सकती है, यानी कि जिसे हम यूनिवर्स कह रहे हैं वो एक मल्टीवर्स के समुद्र की एक छोटी सी बूंद है जिसमें हम रहते हैं। और अगर ये सच हुआ तो मल्टीवर्स की सच्चाई को आप हजम नहीं कर पाएंगे। मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड ही सिर्फ एक इकलौता यूनिवर्स नहीं है, बल्कि ऐसे इनफाइनाइट यूनिवर्सेस मौजूद हैं, और इन सब यूनिवर्सेस के अपने अपने लॉज हैं। जो लॉज ऑफ यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड में लागू होते हैं वो लॉज इन सब यूनिवर्सेस में लागू नहीं होते, बल्कि इनके अपने डिफरेंट लॉज हो सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है और वैसे ही बाकी अदर यूनिवर्सेस भी एक्सपेंड हो रहे होंगे। ये इंडिपेंडेंट एक्सपेंडिंग यूनिवर्सेस हैं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। मान लीजिए आप एक ऐसी शिप में हो और आप होराइजन की तरफ देखते हो तो आपको कोई भी शिप नजर नहीं आती। वहीं एक दूसरी शिप भी अपने होराइजन तक किसी शिप को नहीं देख पाती है। शिप्स एक दूसरे को तभी देख पाएंगी जब इनके होराइजन्स आपस में ओवरलैप करेंगे। इसी तरह ये मल्टीवर्सेस आपस में नहीं मिलते और हम नहीं जानते कि आखिर इन्हें मिलाने के लिए हम इनके होराइजन को कैसे ओवरलैप करें ताकि हम इनकी एग्जिस्टेंस का पता लगा सकें या फिर दूसरे यूनिवर्सेस में जा सकें। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी टनल्स हो सकती हैं जिसे हम वार्म होल कहते हैं, जो हमें इन यूनिवर्सेस से कनेक्ट कर सके। लेकिन अगर हम किसी तरह इन टनल्स के थ्रू दूसरे यूनिवर्सेस में पहुंच भी जाएं तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी शिप हमारे यूनिवर्स के लॉज को ओबे करती है। जबकि अदर यूनिवर्सेस में पहुंचते ही वहां के फिजिकल लॉज भी अलग हो सकते हैं, जहां पर हम सर्वाइव ही ना कर पाए। ये वैसे ही है जैसे हम समुद्र में जाने के बाद वहां सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा शरीर समुद्र में रहने के लिए नहीं बना। इसी तरह कुछ पैरेलल यूनिवर्सेस भी एग्जिस्ट करते हैं। जहां आप रह रहे हैं वहीं एक दूसरा यूनिवर्स भी मौजूद हो सकता है, लेकिन वह एक दूसरी डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। इस तरह एक ही जगह कई यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसे पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। 1952 में डुबलिन शहर के एक वैज्ञानिक इरविन श्रोडिंगर ने अपने लेक्चर में अपनी ऑडियंस को वार्न करते हुए कहा कि मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद हो सकता है कि आपको मेरी बात पागलपन लगे। उनका कहना था कि उनकी इक्वेशंस कुछ हिस्ट्रीज को डिफाइन करती है, लेकिन ये सब हिस्ट्रीज एक ही साथ एक ही समय पर घटित हो रही है। इस ड्यूअल नेचर को सुपरपोजिशन कहा जाता है। अगर ऐसा है तो एक ही समय पर एक ही जगह मल्टीपल घटनाएं घटित हो रही है, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसका सीधा मतलब है कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं जो अनंत है, जहां इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है। और इनफाइनाइट अपने आप में एक ऐसी चीज है जहां सब कुछ संभव है, यानी कि इस इनफाइनाइट वर्ल्ड में हमारी पृथ्वी की कई एग्जैक्ट कॉपीज मौजूद है। हमारे जैसी लाइफ डेफिनेटली कहीं ना कहीं मौजूद है। आपके जैसे दिखने वाले साथ नहीं बल्कि इनफाइनाइट लोग हो सकते हैं। एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां डायनासोर जिंदा है। एक ऐसी दुनिया भी है जहां के इंटेलिजेंट स्पीसीज यानी इंसान हवा में उड़ सकते हों, या फिर आपके ही जैसे हजारों क्लोन्स की दुनिया भी मौजूद हो सकती है। और हो सकता है कि एक ऐसी दुनिया जहां न्यूटन एक हलवाई हो और आइंस्टाइन एक बाबा जी हो। यह है एक मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स की सच्चाई जिसे हजम करना आसान नहीं है। लेकिन क्या मल्टीवर्स वास्तव में एग्जिस्ट करता है? साइंटिफिक कम्युनिटी में ये एक हॉट टॉपिक है, जहां साइंटिस्ट के अनुसार मल्टीवर्स जस्ट एक हाइपोथेसिस है। स्टीवन वीनबर्ग के अनुसार अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो बिग बैंग के बाद पैदा हुए फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास और कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि मल्टीवर्स होने का मतलब है कि इनकी स्पेसिफिक वैल्यूज जस्ट एक एक्सीडेंट है जो कि अदर यूनिवर्सेज में अलग है और हमारे यूनिवर्सेज में अलग। नील डीग्रास टायसन के अनुसार एक मल्टीवर्स में मौजूद दूसरे यूनिवर्स के रूल्स हमसे अलग होने की वजह से कुछ ऐसे यूनिवर्सेज भी होंगे जहां मैटर आपस में मिलता नहीं है, जिससे वहां कोई स्टार्स का फॉर्मेशन नहीं होता। कुछ ऐसे लाइफलेस यूनिवर्स जहां स्टार्स तो है लेकिन प्लैनेट्स नहीं। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं जिससे हमें पता चले कि क्या हमारे यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स से कभी टकराया हो।
या किसी दूसरे यूनिवर्स का ग्रेविटेशनल पुल हमारे पूरे यूनिवर्स को ही प्रभावित कर रहा हो। लेकिन अगर हम डार्क फ्लो की बात करें तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर मौजूद है जो हमारे यूनिवर्स की कई गैलेक्सीज को अपनी ओर काफी तेजी से खींच रहा है। ऐसे में यह ऑब्जेक्ट क्या कोई ब्लैक होल या अपने आप में एक दूसरा यूनिवर्स है, ये भी एक रहस्य है। नील डीग्रासे टायसन के अनुसार जब हम काफी छोटे पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं तब हम उनके बिहेवियर को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ चीजें इतनी अनसर्टेन और फास्ट होती है कि हम इसे मेजर नहीं कर सकते। वहीं पर बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के केस में हम चीजों को मेजर कर सकते हैं, लेकिन बिग बैंग के समय हमारा पूरा यूनिवर्स ही एक एटम जितनी साइज में समाया था और उस समय यूनिवर्स कैसी अवस्था में था इसे हम इमेजिन नहीं कर सकते। हमारे यूनिवर्स स्पेस से ही पैदा हुआ है और क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार इसी स्पेस से हमारा यूनिवर्स पैदा हो सकता है, तो इस केस में इसी स्पेस से दूसरे यूनिवर्स भी पैदा हो सकते जिनकी लॉज कुछ डिफरेंट हो, यानी कि यही स्पेस मल्टीवर्सेस को जन्म भी तो दे सकता है। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार विल्किंसन माइक्रोवेव प्रोब के डेटा को एनालाइज करने के बाद उनका ये क्लेम था कि बिग बैंग के कुछ समय बाद हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स से टकराया था, लेकिन बाद में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने सीएमबी को स्टडी करके इन साइंटिस्ट के उस क्लेम को खारिज कर दिया। लेकिन क्या आज के समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें कुछ ऐसा डेटा मिल सकता है जो हमारे यूनिवर्स से बाहर यूनिवर्सेस की तहकीकात कर सके? जेम्स वेब एक इंफ्रारेड लाइट बेस्ड टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स में मौजूद डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है, और यूनिवर्स के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए वेब के पास सिर्फ एक ही चारा है, वो है लाइट को ऑब्जर्व करना। लेकिन अगर दूसरे यूनिवर्सेस भी हैं तो उनकी लाइट हम तक कभी पहुंच ही नहीं सकती। ना सिर्फ हमारे पड़ोसी यूनिवर्स की लाइट बल्कि हमारे अपने यूनिवर्स में भी हम एक लिमिट तक ही देख पाते हैं। हम जितना दूर देखते हैं उतना ही हम अपने पास्ट में देख रहे होते हैं, और बिग बैंग के बाद एक ऐसा समय था जब हमारा यूनिवर्स काफी ज्यादा हॉट था और उस समय लाइट भी उस बैरियर को पार नहीं कर सकती थी। जैसे लाइट सूरज से आती तो है लेकिन लाइट सूरज के अंदर नहीं जा सकती, यानी हम बिग बैंग को भी नहीं देख सकते। लेकिन मल्टीवर्स का पता तब भी लग सकता है अगर हमारा यूनिवर्स पास्ट में किसी दूसरे यूनिवर्स से टकराया हो, तब उससे रिलेटेड रेडिएशन हमें सीएमबी में मिल सकता है, क्योंकि ये कॉलिजन सीएमबी के पैटर्न पर अपनी छाप छोड़ देगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार वेब इस पैटर्न में हुए चेंज को डिटेक्ट नहीं कर सकता है, तो अगर जेम्स वेब टेलीस्कोप इसे डिटेक्ट कर पाए तो यह हमें मल्टीवर्स के बारे में बता सकता है। लेकिन अगर वेब सीएमबी के पैटर्न में हुए चेंज को डिटेक्ट नहीं कर सकता तो मल्टीवर्स की एग्जिस्टेंस को हम वेब की मदद से पता नहीं कर सकते। फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग का भी कहना था कि वो मल्टीवर्स के फैन तो नहीं है, लेकिन अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो इसमें मौजूद यूनिवर्सेस का साइज अनइमेजिनेबल या इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसलिए हम किसी तरह ये पता नहीं लगा सकते कि दूसरे यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, क्योंकि इनका स्केल काफी ज्यादा बड़ा होगा और हमारे लिए उनकी एग्जिस्टेंस को डिटेक्ट कर पाना काफी मुश्किल होगा। लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल, एक ऐसा दिन भी आएगा जब हम बड़े स्केल पर चीजों को डिटेक्ट कर पाए। लेकिन फ्रेंड्स जरा सोचिए, अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा। इसमें सब कुछ पॉसिबल होगा, और ये भी पॉसिबल है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म भी हो जहाँ आप जैसे एलियंस इस सेम वीडियो को देख रहे हों। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो एलियंस अपने यूनिवर्स में ऐसे वीडियोज को लाइक एंड शेयर भी करते हैं और आप नहीं। तो भाई जल्दी से इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि ये हमारे पड़ोसी यूनिवर्स तक भी पहुंच जाएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।